नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। वैश्विक स्तर पर आलोचना झेल रही बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अब तक तो देश से ही नुपुर शर्मा को समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर भी नुपुर का समर्थन हो रहा है। इस समर्थन में सबसे पहला नाम जुड़ा है नीदरलैंड के सांसद गेट बिल्डर्स का। गेट बिल्डर्स ने खुलकर नुपुर का समर्थन किया है, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। खाड़ी समेत मुस्लिम बहुल देशों में बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर को लेकर हो रही निंदा के बीच नीदरलैंड के सांसद गेट बिल्डर्स ने खुलकर उनका समर्थन किया है। गेट बिल्डर्स ने कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत क्यों माफी मांगे। उन्होंने भारतीयों को सलाह दी कि वो नुपुर शर्मा का बचाव करें। नीदरलैंड के सांसद गेट बिल्डर्स ने ट्वीट करके कहा, तुष्टिकरण कभी काम नहीं करता है, ये चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में नहीं आए, आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नुपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें और दृढ़ रहें, जिन्होंने पैगंबर के बारे में सच बोला था। इस ट्वीट के बाद गेट बिल्डर्स को मौत की धमकियां दी जाने लगी। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इस धमकी से कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं सच बोलने से नहीं रुकूंगा। इससे पहले कतर, कुवैत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत 10 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने पैगंबर पर की गई टिप्पणी की आलोचना की थी। सऊदी अरब ने भी नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी की निंदा की। सऊदी अरब की संवाद समिति SPA के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी की आलोचना और सार्वजनिक निंदा करते हुए कहा, विदेश मंत्रालय भाजपा की पूर्व प्रवक्ता की पैगंबर मोहम्मद का निरादर करने वाली टिप्पणी की आलोचना और सार्वजनिक निंदा करता है। सऊदी अरब साथ ही इस्लाम धर्म के प्रतीकों और तमाम धार्मिक हस्तियों के प्रति पूर्वग्रह को अस्वीकार करने की बात दोहराता है। कतर, ईरान, इराक, कुवैत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, ओमान, लीबिया और मालदीव्स, ये उन देशों की सूची है जिन्होंने नुपुर शर्मा की आलोचना की है। इनमें से कुछ अरब देशों ने अपने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। एक कुवैती सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपने शेल्फ से हटा दिया। कुवैत सिटी के ठीक बाहर सुपरमार्केट में चावल के बोरे और मसालों, मिर्च की अलमारियों को प्लास्टिक की चादरों से ढक दिया गया। वहां अरबी में लिखा हुआ है, हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। कुवैत के अलावा सऊदी अरब और बहरीन में भी भारतीय सामानों का बॉयकॉट किया गया। भारत के लोग तो पहले से ही नुपुर शर्मा के साथ खड़े थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर मिल रहे समर्थन से भी नुपुर शर्मा का बल मिल रहा है। भारत से माफी की मांग कर रहे मुस्लिम देशों पर इस बात का कितना असर पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।